नमस्कार दोस्तों, सारे एटोमियंस को। मेरा नाम संदीप कुमार और डायमंड मास्टर एटोमी इंडिया। मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, सक्सेस स्टोरी के बारे में। मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से। और मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई के साथ साथ मैंने पार्ट टाइम में कंप्यूटर कोर्स करने के समथिंग मैंने सोचा कि इसमें कुछ आगे करना है। तो कंप्यूटर कोर्स, सॉफ्टवेयर का कोर्स हमने 6 मंथ किया। तो सर ने बोला इसमें अगर आपको आगे जाना है तो कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स करना है, तो उसमें आपकी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। क्योंकि मेरी जो है नॉलेज स्टार्टिंग में बहुत कम थी, इसके वजह से सॉफ्टवेयर में ग्रोथ होने के चांस बोले सर ने आपकी कम है, बट हार्डवेयर में आप सक्सेस हो सकते हो। तो मैंने उनके कहने के अनुसार मैंने जो है कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स किया सुल्तानपुर में ही 1 साल। उसके बाद फिर वहाँ से मुझे नेटवर्किंग का कोर्स करना था, ADCHN एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स करना चाह रहा था। फिर वहाँ से फिर मैं लखनऊ आया, लखनऊ में मैंने कोर्स किया। कोर्स करने के बाद, 2 साल करने के बाद, फिर मुझे जॉब के लिए ट्राई करना चालू किया। लेकिन मैं एक चीज़ ये देखा कि मैंने कोर्स किया और उसके बाद ग्रेजुएशन भी किया, उसके बाद सैलरी की बात अगर मैं फील्ड में देखा तो इतना ज़्यादा कंपटीशन था। उन्होंने बोला कि आपने कोर्स करके आया लेकिन हमारे काम को आपको सिखाना पड़ेगा। तो बोले उन्होंने आपको मैं ज़्यादा सैलरी नहीं दे सकता हूँ। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद मुझे उन्होंने 3 से 6 महीने का टाइम दिया था सीखने के लिए। उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया, फिर मैं काम करना चालू किया। धीरे धीरे स्ट्रगल करते करते मेरी सैलरी जो है बढ़ती गई और मैं पहुंचा 10 से 12। और इस ड्यूरेशन का टाइम जो है 12,000 पहुंचने में मुझे जो है 4 से 5 साल लग गए। मैंने ये सोचा कि अगर मुझे आज 12,000 मिल रहे हैं, आने वाले टाइम पे अगर हम 10 साल आगे की बात करें तो समथिंग 25 से 30,000 की मेरी जो इनकम होगी। तो मैंने सोचा कि मेरा इससे तो खर्चा नहीं चल पाएगा। मैंने सोचा कुछ पार्ट टाइम में करते हैं। तो मैं सर्च करना चालू किया, क्योंकि मैं आईटी फील्ड से था। आईटी फील्ड के साथ साथ मैं गूगल करना स्टार्ट किया। गूगल करते करते मुझे कुछ कंपनियों के बारे में मालूम चला, लेकिन मैं सभी का प्रोफाइल देखा, प्लान देखा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो कुछ हमारे दोस्त थे जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी थी ऑनलाइन के थ्रू, उन्होंने मुझे एटोमी के बारे में बताया कि संदीप आप ये एटोमी कंपनी है साउथ कोरिया की, उसके बारे में आप सर्च करिए, फिर बताइए क्या कंपनी है, कैसी है। अगर आपका प्लान बनता है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मैंने एटोमी के बारे में सर्च किया। मुझे 15 दिन लगा सर्च करने में। मैंने प्लान के बारे में भी सर्च किया, देखा कंपनी के बारे में, कंपनी का प्रोफाइल देखा। सारा कुछ देखने के बाद मुझे कुछ हद तक समझ में आया कंपनी के बारे में। फिर मैं YouTube पे सर्च करना चालू किया, तो मुझे एक वीडियो मिली डॉक्टर साहब की। उस वीडियो ने मेरी ज़िंदगी ही बदल के रख दी। उस वीडियो में जो एटोमी का टूथपेस्ट के बारे में उन्होंने 2 मिनट का डिस्क्राइब किया था, वो वीडियो मैंने देखा। और देन उन्होंने हीमोहिम के बारे में वहाँ पे डिस्क्राइब किया था, प्रोडक्ट की डिटेल के बारे में बताया था, वो वीडियो मैंने देखा। उसके बाद जो है मेरे अंदर, मैं 100% प्लान किया कि नहीं, मुझे अब एटोमी करना है और भी ये मेरी फर्स्ट एंड लास्ट कंपनी होगी। फिर मैं पूरी रात सोया नहीं था, मैं 3-4 दिन कंटिन्यू, मुझे नींद ही जैसे नहीं आ रही थी। प्रोडक्ट को देख के उसके जो रिजल्ट थे, उसके जो बेनिफिट थे, डॉक्टर साहब जो उस वीडियो में दिखाया था, पेस्ट की वजह से मुंह में जब छाले हुए तो लड़का बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन उस पेस्ट को मुंह में लगाने से ही विद इन 5 मिनट के अंदर उसका मुंह जो है खुलना स्टार्ट हो गया। तो कमाल का प्रोडक्ट था, अमेजिंग प्रोडक्ट था। हमने फिर सारा कुछ सर्च किया, उसके बाद फ्रेंड से बात किया। हमारे खास फ्रेंड थे संजय कोस्टा जी, हमारे अपलाइन भी हैं। मैंने उनसे बात किया, उन्होंने बोला कि ठीक है आप ज्वाइन हो जाइए।
उन्होंने मेरे को जो है डॉक्यूमेंट्स बोला, ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेगा आपका रजिस्ट्रेशन होने के लिए। उन्होंने बताया कि अगर किसी कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल कंपनी है, क्योंकि आपकी डिटेल आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, लाइक पैन कार्ड हो, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारा कुछ हमने प्रोवाइड किया। उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैंने कंपनी में काम करना चालू किया। अब सबसे ज़्यादा चैलेंज ये आया कि मैं लोगों को कैसे प्लान बताऊं और किसके साथ शेयर करूं, क्योंकि मेन चीज़ ये थी कि मैं जॉब भी कर रहा था, आईटी फील्ड में बिल्कुल टाइम भी नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे काम करूं। और अगर यदि मैं कंपनी, क्योंकि कंपनी में अभी स्टार्टिंग किया था और स्टार्टिंग में मेरा नेटवर्क नहीं था, इसलिए इनकम भी नहीं आ रही थी, क्योंकि जब तक मेरा नेटवर्क बिल्डअप मैं नहीं करता, मेरी टीम नहीं बनती, तब तक मुझे इनकम नहीं आती। तो ये भी चैलेंज था मेरे सामने। और जॉब कर रहा था, मैं लखनऊ रह रहा था, लखनऊ में रहने के साथ साथ मुझे और सारे जो हमारे खर्चे थे वो भी मुझे देखना था। बट मैंने स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में आया कि मैं आईटी फील्ड में जब काम किया हूँ और गूगल पे मैंने सर्च करके ये सारी चीज़ें डिटेल निकाला हूँ, मुझे मालूम हुआ, तो लाइक ऐसा हम कर सकते हैं कि अपनी जो है वीडियोज़ बना के यूट्यूब पे शेयर करूँ। तो मेरे दिमाग में आया, मेरा यूट्यूब तो अभी नया नया चैनल अगर क्रिएट भी करूँगा तो मेरे पास तो कोई फॉलोवर नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना ही कुछ यूट्यूबर से कॉन्टेक्ट करें, उनको कंपनी के बारे में बताएं, वो मेरी वीडियो जो है प्रमोट करें यूट्यूब पे, जिससे वहाँ से भी मुझे कुछ लीड जनरेट भी हो जाए। तो आई थिंक मैंने कुछ यूट्यूबर से बात किया, उन्होंने मना भी कर दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही YouTube चैनल बनाऊं, मैंने YouTube चैनल क्रिएट किया, उसके बाद मैंने वीडियो बनाया, वीडियो बना के पब्लिश किया YouTube पे, वहाँ से मुझे कुछ लिंक भी जनरेट हुई, लोगों का फ़ोन आया, मैं उनसे बात भी किया, और Facebook के सोशल मीडिया के जरिए मैंने लोगों के साथ बातचीत करके उनको प्लान बताया, शेयर किया, उसके बाद उनको ज्वाइन किया। धीरे धीरे करते करते मैं यहाँ पे आज जो है एटोमी में डायमंड मास्टर हुआ। और आज मैंने जब कंपनी जॉब कर रहा था, जॉब करने के साथ साथ मैंने इसको स्टार्ट किया, मेरी वहाँ पे 12,000 की सैलरी से मैंने जॉब को क्विट किया, आज यहाँ पे हम लाखों की मेरी इनकम है। आज मेरे जो ड्रीम है वो लग रहा है कि एटोमी जो है फुलफिल कर रही है। और मेरा यही लक्ष्य है कि आने वाले 5 साल में मैं इम्पीरियल मास्टर भी पहुँचूँगा, उस रैंक को अचीव करूंगा। क्योंकि जब मैं सोता भी हूं, मुझे एक ही चीज़ दिखाई देता है, इम्पीरियल मास्टर को जो ट्रॉफी है मैं वो मुझे मिल रही है। तो मेरा ये ड्रीम है कि इम्पीरियल पहुंचना नेक्स्ट 5 ईयर में। और मैं आज यहां पे काफ़ी सक्सेसफुल हूं, और आप लोगों को भी यही बताना चाह रहा हूं कि आप अगर किसी चीज़ को ठान लेंगे ना तो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास बहाने हैं तो बहुत सारे बहाने हैं, एक ही आदमी करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। अगर बात करें हम, अगर जिसने एरोप्लेन बनाया, किसी एक आदमी ने ही उसके सोचने की वजह से एरोप्लेन का आज आविष्कार हुआ और इसको यूज हम कर रहे हैं, तो कहने का मतलब अगर एक आदमी सोचेगा तो करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। ऐसे बहुत सारे आविष्कार हैं, रियलिटी है कि आप कोई भी सोचोगे तो वो कर सकते हो। आप एटोमी में ज्वाइन करिए, अगर आप चाहते हैं कि सक्सेसफुल होना है, यहाँ पे आप अपना ड्रीम फुलफिल करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि ग्लोबल बिजनेस कर सकते हैं, किसी भी कंट्री में बिजनेस कर सकते हैं, उसका कोई भी चार्जेस नहीं देना है, यहाँ पे कोई भी ज्वाइनिंग फीस आपको नहीं देना है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी, क्योंकि हर कंपनियों के अपेक्षा यहाँ पे बहुत आसान है, यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे एजुकेशन सेंटर है, हर स्टेट हर सिटी में आपको एजुकेशन सेंटर मिलेगा। यहाँ पे आपको लोगों को बताना है, उसके बाद वहाँ पे एजुकेशन सेंटर पे वहाँ पे उनको आपको पहुँचाना है, वहाँ पे ले जाइए एजुकेशन सेंटर पे, वहाँ पे मीटिंग ट्रेनिंग उनको वहाँ पे सारी कुछ अवेलेबल होगी। कंपनी इतना बड़ा फैसिलिटी दिया है कि आप लोग यहाँ पे सक्सेस हो सकते हैं। मुझे सुनने के लिए थैंक यू, डायमंड मास्टर एटोमी इंडिया, थैंक यू।